ऐसा है, फिलहाल तो हमारी लड़ाई हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी से है, जी तो पहले बाबा मुख्यमंत्री जी हटें, हम लोगों का रास्ता साफ करें। और देखिए बाबा मुख्यमंत्री जी कितने अच्छे हैं, जो काम उनका है वो भी काम नहीं कर पा रहे। बताओ गैयों से क्या किसानों को बचा ले रहे हैं? आपके यहाँ तार लगा रखे होंगे किसान, कल मैं झांसी था जी, एक जगह नहीं मिली मुझे जहाँ पर किसानों ने अपने खेतों को बचाने के लिए तार न लगाए। और फिर उत्तर प्रदेश में जिन इंजीनियरों को जल्दी पुल बनाना चाहिए था उन्हें सांड पकड़ने में लगा दिया है, टीचर्स को लगा दिया कि बहुत तैयार करेंगी वो, तो क्या कैसे आप तरक्की करेंगे? कम से कम 100 नंबर हमने बनाया था कि अच्छा चले, अरे इसके टायर ही बदल देते, इसका कुछ और बदल देते, स्टीकर लगा दिया 100 का 112 कर दिया, क्या बदलाव किया उन्होंने? अगर आपको भी कोई अच्छा नाम रखवाना हो तो दरखास्त हमें लिख के देना, मुख्यमंत्री जी उसको कह देंगे कि इनका भी नाम बदल दो। केवल भारत में नहीं, भारत में तो लोग विरोध कर ही रहे हैं, भारत के साथ साथ दुनिया की जितनी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज हैं, ऑक्सफोर्ड हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी इसको लेकर के लोगों के बीच में शिकायतें हैं, लोग चाहते हैं अपनी बात पहुँचाना और इसका विरोध कर रहे हैं। और हाल ही में यूरोपियन यूनियन में भी इसके खिलाफ प्रस्ताव है, क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि ये भेदभाव पैदा करेगा। हमारा संविधान ये कहता है कि हम किसी भी तरह का धर्म का भेदभाव नहीं कर सकते, तो अगर मुसलमान को अलग कर करके केवल आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए, ये वोट की राजनीति कम से कम संविधान से खिलवाड़ करके नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से लोग जगह जगह बैठे हैं। सवाल ये है, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? हम ये जानना चाहते हैं, क्या नौजवानों को नौकरी और रोज़गार मिलने लगे? क्या GST और नोटबंदी के बाद व्यापार बढ़ गया और जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो भी नीचे जा रही है, ढह गई है? अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं है, किसान को उसकी कीमत की फसल का पैसा नहीं मिल रहा है और हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। जिस तरीके से मार्क्स, कार्ल मार्क्स एक ज़माने में अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना चाहते थे लेकिन उनकी प्रेस को उनके विचारों को नहीं पहुंचने दिया, इसी तरह एक ज़माना हिटलर का आया, जो चाहते थे उस ज़माने के लोग चाहते थे वो नहीं जान सकते थे, पूरा का पूरा रेडियो पे कंट्रोल कर लिया था। तो हम तो आपसे उम्मीद करेंगे कि कम से कम लोकतंत्र को आप बचाने में जो लगे हैं तो उसमें सहयोग करें। बजट को लेकर सरकार देखिए, हम राय इसलिए नहीं देंगे, बजट पे राय इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारे रास्ते चल नहीं रहे। उन्हें लैपटॉप से प्रेम नहीं है, उन्हें शौचालयों से प्रेम है। समाजवादियों के लैपटॉप अभी भी चल रहे हैं, शौचालय नहीं चल रहे हैं। हमारे एक्सप्रेस वे पे बहुत सवाल खड़े करते थे, जहाँ हम खड़े हैं बताओ आरओबी बन गया? इसका उद्घाटन लखनऊ में हुआ था, इसी NHAI का पूरा सहयोग लैंड एक्विजिशन में समाजवादी सरकार में हुआ, जो चीज़ें कमी थी उनको दूर किया। देश के सड़क मंत्री, देश के उस समय के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने मिलकर के उद्घाटन किया, क्या पुल बन गया? और पूर्वांचल एक्सप्रेस इसलिए बना रहे थे कम से कम सुल्तानपुर के लोग या किसान को लाभ जल्दी पहुंच जाए। अमेठी से होकर के सुल्तानपुर, आजमगढ़ होकर के ये पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे जा रहा था, नाम समाजवादी था इसलिए जल्दी काम नहीं कर रहे हैं। 108 एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 102 बर्बाद कर दी। हम ये जानना चाहते हैं पुलिस में क्या बदलाव आ गया जो 100 नंबर से 112 कर दिया। तो सुझाव चाहें तो ये ले सकते हैं कि जाएं इनके नेता, इनके यात्रा करने वाले जितने भी इंजीनियर अगर इनके साथ हों तो, लेकिन इंजीनियरों को तो सांड पकड़ने में लगा दिया है। अगर इनके पास इंजीनियर्स हैं तो जाएं और गोमती को देख करके आएँ कि किस तरीके से साफ करना चाहते थे, वही तरीका है जो गंगा साफ हो जाएगी। हम उनका सहयोग करना चाहते हैं, वो अपने इंजीनियर्स की टीम गोमती को भेजें, देखें कैसे काम हुआ है और वही इम्प्लीमेंट गंगा के किनारे हर शहर में कर दें, गंगा अपने आप साफ।